ये देखिए दोस्तों, रसीले नींबू आ गए हैं। आज हम इसका अचार बनाने वाले हैं। तो नींबू आप जब भी लें, रसीले लें। और ये देखिए कितना बड़े बड़े आकार का नींबू है। और ये पका हुआ नींबू होता है। जो हरा नींबू होता है ना, वो कच्चा नींबू होता है। कच्चा नींबू नहीं लेना है आपको, आपको अचार बनाना है तो पका हुआ नींबू ही लेना है। तो देखिए हम नींबू ले लिए हैं, और ये इतना अचार ना आपका पूरा साल चल जाएगा। तो बिल्कुल पका, रसीला। और कैसा इसमें रस है पता कैसे करें? इसको दबाइएगा ना तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें रस है। तो इस नींबू का अचार हमारे यहाँ तो कई तरीके से बनता है, उनमें से मैं एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही मजा आएगा आपको नींबू का अचार खा के, जैसे कि पराठे के साथ खा सकते हैं। अगर आपका जी मचला रहा है तो खा सकते हैं नींबू का अचार, मजा आ जाएगा, एकदम मिजाज फ्रेश कर देगा। और खट्टा ढेकार, उल्टा ढेकार, सब में ये इलाज है। मतलब आपको दवाई नहीं लेना है, बस आपका जी मचला रहा तो इसको खाइए। भूख नहीं लग रहा तो भी एक टुकड़ा खा लीजिए अचार का, तो आपका भूख बढ़ा दे। तो यानी कि कुल मिला के हमारे ये जो किचन में जो नींबू होता है, ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए। और हम लोग सदियों से ही उपयोग करते आ रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, और हमारी नानी दादी सब कोई करती थी, और आज हम भी कर रहे हैं। तो बना के स्टोर करके रख लेते हैं, पूरे साल एंजॉय करते हैं पूरे फैमिली। तो चलिए आज हम आपको बनाते हैं नींबू का अचार, आपको नहीं नींबू का बनाते हैं अचार। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि नींबू का अचार बनाइए, तो आज मैं एक तरीका शेयर कर रही हूँ। और एक और तरीका से बनता है बिल्कुल सिंपल, वो भी किसी दिन शेयर करेंगे। तो अभी मैं मसालेदार नींबू का अचार बनाने वाली हूँ, चटपटा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे नींबू के साथ अचार बनाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा एक्सरसाइज है, तो मैं आइए जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सिलबट्टा, इसका लिंक हम दे देंगे आपको। बहुत से दोस्त हमारे बोले हैं कि आप सिलबट्टा कहाँ से लिए हो बताइएगा, कि अमेजोन पे भी मिल जाता है ये। वैसे तो हमारे गाँव का ही सिलबट्टा है, लेकिन आजकल मैं देखी थी, मेरा बेटा दिखाया था कि अमेजोन पे भी ऐसा सिलबट्टा है, तो आप ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी उसका। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पानी डाल के नींबू को इस तरीके से नहला देंगे, और फिर अपने हाथों को इस तरीके से घुमाएंगे। सिलबट्टा रहता है तो सही रहता है, चटनी थोड़ा सा बना लीजिए, या अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा बना लीजिए, या कोई भी काम के लिए सिलबट्टा बहुत ही उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ये नींबू का जो ना ऊपरी परत होता है उसको हल्का हल्का हम घिस के सॉफ्ट कर लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से, इस तरीके से हम घिसेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा नींबू। मैं आपको पानी गिरा के दिखाती हूँ, देखिए ये नींबू ना ऐसा स्किन इसका हल्का पतला हो जाएगा, और ये दबने लगेगा, बहुत ही अच्छा दबने लगेगा। जिधर से नहीं घिसा है उधर से घिस लीजिए। एक बड़े से बर्तन में हम पानी रखेंगे, और घिसा हुआ नींबू को इसमें डालते जाएंगे। आप बोलेंगे कहने का जी इसको बिना घिसे नहीं बना सकते हैं, तो बिना घिसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ना जो स्किन का इसका परत होता है ना, ये मोटी होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है गलने में। और वैसे घिस दीजिएगा तो बहुत जल्द गल जाता है, और टेस्टी भी बनता है। तो अगर आपके पास अगर सिलबट्टा नहीं है, कोई भी खुदरीली पत्थर हो, पत्थर पे भी आप रगड़ सकते हैं इसे नींबू को। अगर पत्थर भी नहीं है तो क्या करें कि 10 रुपया का आता है बाजार में रेगमार, रेगमार आप बोलिएगा, हार्डवेयर की दुकान पे मिलता है, उससे आप इसको हल्का हल्का घिस सकते हैं। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन है, बिना घिसे भी बना सकते हैं। पर देखिए कैसा हो जाता है स्किन इसका, देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है और यहाँ पे कैसा दिख रहा है। ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, इसके आगे क्या है, सास गारी देवे ननद सुझालेवे, ससुराल गेंदा फूल, ओए होए गाना मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा गाना है ये। और ये वाला भी है, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, कच्चा कच्चा पक्का पक्का नींबूड़ा लाई, तो लाला जी लेके आए हैं। हम तो वैसे गए थे गाछ से तुरने पेड़ से, पर पेड़ पे छोटा छोटा नींबू था ये वाला साइज का। तो अभी ये वाला साइज का ना नींबू थोड़ा दिनों के बाद बढ़ेगा, जब बरसात पूरा खत्म हो जाएगा तब बढ़ेगा, तो इसीलिए हम नहीं तोड़े वाला नींबू का पेड़ का। और ये दूसरा नींबू मंगवा लिए, कच्चा नींबू का अचार नहीं डालना है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए नहीं डाले, आपको हम बताएं कि पक्का नींबू का ही अचार डालें। बातों बातों में पांच दो हाथ बड़ा सोच समझ के दिए हैं,
दोनों हाथों का उपयोग करते हुए हम अपना काम 5 मिनट में निपटाएंगे। इसको पानी में भिगो रखे हैं तीनों को, ये बिना घिसा हुआ है, ये घिसा हुआ है। पानी में 2-3 मिनट भिगो देने से जल्दी घिस जाता है। यहाँ पर देखिए हम सारा नींबू को घिस लिए हैं दोस्तों, अब जल्दी से चलते हैं नींबू का अचार बनाने। नींबू तो हम घिस लिए हैं दोस्तों, अब इसका कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से हम, ये देख रहे हैं, जैसे कि हम नींबू खाने के लिए काटते हैं ना, उसको उल्टा काटेंगे। ये देख रहे हैं, इधर है भाई, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इस तरीके से हम लोग जैसे नींबू दाल में खाते हैं या किसी सलाद में डालते हैं, तो डालते हैं ना, इस तरीके से कटिंग करते हैं गोल में। तो आप चाहें तो गोल में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे वाला आप कटिंग करेंगे ना तो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है अचार। इस तरीके से करिएगा तो ये कुछ इस तरीके का स्लाइस बनेगा, देख रहे हैं। तो चार भाग करिएगा तो छोटा छोटा हो जाएगा, हैं। अगर इस तरीके से काटेंगे ना तो इसका ज्वाइंट जो ऊपर का ये है परत, ये लगा रहता है। मैं ऐसे खड़े में बोल रही हूँ काटने के लिए आपको, जैसे ये नींबू खड़ा है, इसको हम खड़े में काट लिए और इस तरीके से कर दिए दो भाग, फिर इसका बीच से हाफ। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट रहता है, ये अचार में खुलेगा नहीं। और ये ना जैसे ये है वाला है अचार, ये ऊपर से गलने लगता है। तो सारा नींबू का अचार हम कटिंग कर लेते हैं। वैसे दोस्तों ये छोटा छोटा ही टुकड़ा रहता है तो देने में आसान रहता है, जैसे कि किसी को थोड़ा सा मन कर रहा है खाने का, तो छोटा टुकड़ा रहा तो फटाक से कर दे दिए और काट काट के और एक बर्तन में इकट्ठा कर दिए। तो आप काट सकते हैं जैसा मर्जी, जैसा आपको आसान लगे। तो इसी तरीके से हम सारा नींबू को काट लेते हैं। एक बात है दोस्तों, जब आप नींबू का अचार खाइएगा तो नींबू का बीज मत खाइएगा, तो पेट में पेड़ जम जाएगा। ऐसा हम लोग, हमारे साथ भी बचपन में बहुत होता था, किसी चीज़ का अगर बीज पेट में चला गया तो डर लगता था कहीं पेट में पेड़ हो गया तो हम क्या करेंगे। आप में से कितने दोस्तों को ऐसा लगता था बचपन में, बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए नींबू का हम छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, अब ये तैयार है अचार बनाने के लिए। अब अचार का इसमें मसाला कौन कौन सा डालेंगे हम वो बताएंगे। तो आप दो तरह से अचार बना सकते हैं, बिना तेल वाला भी और तेल डाल के भी, जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। दोनों में तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी, जस्ट अभी। तो यहाँ पे देखिए हम मसाला क्या क्या चीज़ लिए हैं वो दिखाते हैं आपको। एक बड़ा चम्मच सौंफ है, एक चम्मच कलौंजी है, काला जीरा भी बोला जाता है इसको, और एक चम्मच अजवाइन है और एक चम्मच मेथी है। इन तीनों को हमें डालना है इसी में। और यहाँ पे हम सरसों को लिए हैं पीस के, काला या पीला कोई सा भी सरसों आप पीस के ले सकते हैं। लेकिन सरसों को क्या करिएगा, पहले धो के धूप में सुखा दीजिएगा और उसके बाद जब सूख जाए अच्छे तरीके से तो इसका पाउडर बनाइएगा। तो अभी हम देखिए सरसों का पाउडर इसमें डालेंगे, कम से कम 4 चम्मच, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अगर आप सरसों लाइक नहीं करते हैं नींबू के अचार में तो सरसों को अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीख रही हूँ दोस्तों, आप लोगों का मेहरबानी है, आप लोग कमेंट करते हो ना इंग्लिश में, इसलिए हमको इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। हम 4 चम्मच डाल दिए हैं, अब यहाँ पे हम डालेंगे 4 चम्मच मिर्ची पाउडर भी, या अपने तीखे के अनुसार आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, नो इश्यू। आप सोचेंगे कहाँ से इंग्लिश आ रही है, तो दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे हम 4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे, इससे ना कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब आ जाती है बारी हमारी खड़ा मसाला, जो हम लिए थे वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सभी मसालों को एक ही में मिला लेते हैं। गौंजा पथारी, ये बोले तो भोजपुरी वर्ड था। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा अभी से। तो आपको यहीं पर डिसाइड करना है कि आप बिना तेल वाला बनाना चाहते हैं नींबू का अचार या तेल वाला। तेल वाला अगर बना रहे हैं, अगर आप तेल वाला अचार बना रहे हैं तो उसमें नमक का मात्रा जैसे हम स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, और बिना तेल वाला बनाएंगे तो उसमें डबल नमक का मात्रा रहेगा, यानी कि नमक से ही वो गल के पकेगा हमारा नींबू का अचार। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको तेल वाला अचार बनाना है तो स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा बस, जैसे कि ये हो गया स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। अगर आपको बिना तेल का बनाना है, ऑयल फ्री बनाना है,
तो आपको क्या करना है कि दोबारा जितना आप नमक डालें उतना ही नमक और डालें। आप सोचेंगे बोलेंगे कि अनिता जी नमकीन ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारा 100% हमारा आजमाया हुआ तरीका है। ये इस तरीके से हमारी मम्मी भी बनाती थी अचार, उन्हीं से मैं सीखी हूँ। तो बिल्कुल नमकीन नहीं होगा और जो नींबू का अचार है वो गल जाएगा अच्छा से। तो यहाँ पे हम डबल नमक डाल दी। अब नमक डालने के बाद बारी आती है, अब हमें अच्छा से मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑयल फ्री अचार। बहुत बार खाए होंगे नींबू का, और नहीं खाए हैं तो, अगर नहीं खाए हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं एक और तरीका अपना शेयर करेंगे जो हमारे गांव में बनता है। वो तो जो नींबू का अचार बनता है ना हमारे गांव में, वो 10 साल तक भी चलता है। और उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आँख बंद करके अचार को बना दीजिए, बहुत आसान है। तो ये वाला मेथड आप देख लीजिए दोस्तों, कितना ईजी है। और ये चटपटा अचार है, और वो जो अचार होता है वो सिंपल अचार होता है। तो अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आप अगर बिगनर हैं तो हाथों में ग्लव्स पहन लें, और नहीं तो आप इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं, या चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, या चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं तो हाथों से करूँगी, क्योंकि हम तो हैं भाई देसी। देसी देसी न कर कर छोड़ रे, इस देसी की फैन दुनिया हो री रे। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों धर के इसमें एक पाव नमक ही डाल दीजिएगा मतलब डबल डालिएगा स्वाद अनुसार से, डबल नमक ऑयल फ्री में, और ऑयल वाला में स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि जब अचार चटक होता है ना तो उसका जीभ पे स्वाद आहा मजा आ जाता है। अब नींबू का अचार जिस भी बर्तन में आप सुखा रहे हैं तो वो स्टील का बर्तन होना चाहिए, जैसे कि मैं ली हूँ स्टील का बर्तन। तो ये बड़ा सा परात है, तो इसको हमें मात्र 2 दिन ही सुखाना पड़ेगा। 2 दिन सुखाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, एयर टाइट डब्बा में बंद करके रख देंगे, और 2 दिन पे 3 दिन पे इसको धूप दिखाते रहेंगे। 15 दिन तक ऐसे ही करेंगे रेगुलर, भूलेंगे नहीं। 2 दिन 3 दिन, 1 दिन भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैचा से बोल दीजिएगा। लेकिन ये अचार 15 दिन के बाद आपका मतलब स्टोर करने लायक हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी रख दीजिए टाड़ पे, और ये ताकता रहेगा उधर से, उसमें से निकाल निकाल के आप खाते रहिए, या किसी बर्तन में रख लीजिए जिस बर्तन में आप छोटा बर्तन रखते हैं, उसके बाद आप खाते रहिए। तो 15 दिन तक आपको सुखाना है दोस्तों, 10 से 15 दिन, ज्यादा दिन के नहीं। आइए ऑयल फ्री अचार बनेगा। तो अच्छे तरीके से मिला लूंगी नमक मसाले सारे हमारे नींबू पे चढ़ जाए। अब अच्छे से अचार को मिक्स करने के बाद इसको हम धूप में ले चलते हैं और सुखाते हैं 2 दिन। इसके बाद एयर टाइट डब्बा में डाल के सिर्फ सुखाना है दोस्तों। तो आप बोलिएगा तो हम कंटिन्यू आगे का भी वीडियो दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अचार बहुत ही सिंपल था, सारा खेल मसाला और इसका घिसने का ट्रिक था। तो बस इसको आप जार में रख लें और 15 दिन तक लगातार सुखाएं। अगर कुछ ना समझ में आए तो बताइएगा। बहुत सब दोस्तों का कहना होता है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम इतना लंबा लॉन्ग टाइम तक सुखा सके अचार को, तो मैं आपको वो भी ऑप्शन बताती हूँ। जैसे कि अभी आप इसको मिक्स कर लिए, मतलब बढ़िया से मिला लिए हैं, तो अभी भी आप डाल सकते हैं एयर टाइट डब्बा में, लेकिन आपको सुखाना तो पड़ेगा ही, धूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अचार बन रहा है ये नेचुरल अचार है। इसमें कोई मतलब स्टोर करने वाला मतलब प्रिजर्वेटिव चीज का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसमें नेचुरल है, तो इसीलिए आपको सुखाना पड़ेगा, धूप का सनलाइट तो दिखाना ही। तो अभी का अभी भी इसमें भर सकते हैं, जैसे कि मैं देखिए अभी भर ले रही हूँ, और इसको हम रेगुलर सुखाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीका बताई दोस्तों। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ऑफिस जाना होता है, इतना समय नहीं होता है, आप फास्ट वाला कोई अचार बताइए। तो आप इस अचार को इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस बयाम को धूप में रखना ना भूलें। अगर इस बयाम को आप धूप में नहीं रखिएगा तो अचार हो सकता है कि आपका खराब भी हो जाए। फिर आप बोलिएगा कि आप मतलब सही से नहीं बताए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भी दोस्त हमारा रेसिपी ट्राई करें, उनका रेसिपी प्रॉपर बने और उनका खराब ना हो, मेहनत बेकार ना जाए। तो देखिए मैं आपके सामने ये भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि हम भी यहाँ पे लोग जैसे ऑफिस में जाते हैं आते हैं तो समय का तो थोड़ा बचत करना होता है, क्योंकि हमको भी दूसरा रेसिपी बनाना होता है। तो मैं चाहूँगी कि आज का जो रेसिपी आज ख़त्म हो जा रहा है, वो तो ख़त्म हो जा रहा है। आम वाला रेसिपी बहुत से अचार है जो आम का रेसिपी एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, और बहुत से अचार है जो हफ्ता चलता है, तो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। और बहुत से अचार है कि घर के बना देते हैं, हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन अलग तरीके से बनता है, तो डिफरेंट है, उसमें टेस्ट में भी डिफरेंट है। तो हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें कि ये नींबू का अचार आपको कैसा लगा। मैं आपको दोनों तरीके बताई हूँ, समय बचाने वाला भी और समय के साथ बनाने वाला भी।
हमें उम्मीद है कि नींबू का अचार आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और कब बना रहे हैं ये तो आपको डिसाइड करना है। तो हम जा रहे हैं इसको धूप में रखने, और ये कुछ ही दिनों में, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है ना, दो दिन सुखाइएगा तो ये नीचे चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा नीचे तो इस तरीके से हाथों से दबा दीजिए, नीचे चला जाएगा। ले लीजिए।